लड़की का घर। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये मेरी मौसी की लड़की है और ये इनके बेटे हैं दोनों। और इसका नाम क्या है, आपका नाम क्या? साहिबजीत सिंह। और आपका? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह। और दीदी से मिलिए। हाय दीदी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुजी है। हाँ, तो ये देखिए जी, इनका घर है, बहुत ही सुंदर घर है। और आज इनको मिलने आए थे हम। देखिए ये अंदर का एरिया है। ये भी रूम है। ये बैठक रूम है यहाँ पे, और ये किचन है साथ में ही, और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ये भी रूम है। और ये इधर भी रूम है। लाइट ऑन कर दो बेटा। जो बच्चों ने कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे स्टोर है ये। और सिस्टर को ना बहुत ही काम करवाते हैं जो बच्चे लोग दोनों बहुत काम करना पड़ता है। और ये यहाँ पे टीवी रखा हुआ है एलईडी। हाँ, यहाँ पे फोटोज हैं। और ये है मेरे सिस्टर, ये इनके हस्बैंड है। ये बोल रहे थे कि मासी जी हमारा ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं बेटों का ब्लॉग। हम आए तो कितने टाइम के थे, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो ऊपर का एरिया भी दिखाते हैं हम आपको। चलिए हम चलते हैं ऊपर। तो ऊपर देखिए कितना खुला है ये छत पे, ग्रीन ग्रीन देखो यहाँ पे, दिखाते हैं हम आपको। ऊपर आके फ्रेश मूड हो जाता है। हाँ, ऊपर आके फ्रेश मूड हो जाता है। हम आए तो कितनी देर के थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। जो ये देखिए हरा भरा है यहाँ पे, खुला खुला, गांव में बहुत अच्छा लगता है। जी कितनी देर से बोल रहे थे मौसी आप ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग शूट करो। तो ये मेरे मासी जी की लड़की है, बड़े हैं मेरे से। और ये हमारा जो गांव है ना, मैंने आपको दिखाया है अपना गांव, तो वहीं पे है इनका घर, माइका वहाँ पे है। मेरे दो मौसी है बड़े, वो हमारे साथ ही वहाँ पे रहते हैं हमारे गांव में। तो आज मैं इनको मिलने आई थी तो बहुत खुशी हुई। बोल रहे थे मेरे से मिलने। एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी, ये मुझे मिलने आए फर्स्ट टाइम। तो अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत एक्साइटेड थे। हमने खाना खाया, बहुत कुछ बनाया था दीदी ने, बहुत कुछ बनाया था, और स्वीट में भी बहुत ही कुछ खा लिया। अब बोलने के लिए जगह भी नहीं है क्या करें। ये एरिया है, आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। ये ऊपर की छत का एरिया है। यहाँ पे है सामने, कितनी हरियाली है यहाँ पे। और मैं आपको छत के ऊपर से दिखाती हूँ घर। ये देखिए जी, सामने ही घर के सामने ही वो रोड है। बहुत ही सुंदर एरिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने शादी से पहले आई थी, जब सिस्टर की मैरिज हुई थी ना, तब आई थी ना मैं आपके घर। आई थिंक कितने टाइम हो गया? हाँ, 11 साल हो गए। देखो मैं आई थी अब, तो आई हूँ मैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और ये बोल रहा था मुझे बार बार, मौसी जी प्लीज ब्लॉग बनाओ, मौसी ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग में ले लो हमें भी ब्लॉग में ले लो, हमें भी ब्लॉग में ले लो। हाय। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट बी में पढ़ते हो? Yes. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। और आप क्या बोलना चाहते हो सभी को? सब्सक्राइब एंड लाइक, बेल लाइक भी दबाना। हाँ देखिए ये कितना अच्छा काम किया छोटू ने उनको भी पता है क्या करना है। तो हस्बैंड भी आए हैं साथ में, बैठे हैं जीजा जी के साथ बात कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे चलते हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे भी।
5 मिनट लगते हैं यहाँ पे पहुँचने को। बहुत ही अच्छा एरिया है, मुझे बहुत ही पसंद आया। सूरज छिप रहा है, कितना अच्छा व्यू है। वो देखिए सामने व्यू कितना अच्छा है, वो सूरज छिप रहा है। माता का मंदिर है सामने, सामने माता का मंदिर भी है, जय माता की। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए, और आज मिल भी लिया सिस्टर को। पता नहीं कितना टाइम हो गया था, उसके बाद मैं मिली नहीं थी इनको भी, और हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो मैंने यहाँ सोचा कि आज चलते हैं सिस्टर को मिलने के लिए, तो मिल लिया। मासी जी जब आप ससुराल जा रहे थे ना, तो मम्मी रो रही थी। ठीक है, जय बोल रहा है, बेटा बोल रहा है कि जब आपकी शादी थी ना, तब आप जब जा रहे थे ससुराल को, तो मेरे मम्मी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। तो सभी को ना अपनी शादी का दिन याद आ जाता है, तो सभी लेडीज़ है, जो लड़कियां हैं वो सभी रोती हैं, उनको पता है ना अपना मायका छोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, और कितनी टेंशन में रहती हैं, क्योंकि न्यू मैरिज, जब हम न्यू मेंबर से मिलते हैं तो हम थोड़ा अनजान लगता है उनसे मिलने का भी, बाद में हमें पता चलता है कि हमारा यही परिवार है असली। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर एरिया है, ये यहाँ पे खेल रहे हैं, शरारते कर रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको। ये देखिए कैसे जा रहा है, ये देखिए ये कैसे सीढ़ियां नीचे कैसे उतर रहा है, ये देखिए कैसे जा रहा है, ये देखिए। मैं आपको ना दिखाती हूँ, जीजू जो है ना थोड़ा वो ना शाही टाइप के हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, सामने हस्बैंड बैठे। ये देखिए बैठे हैं, बातें कर रहे हैं दोनों। और ये है आंटी जी हैं, जो मेरे सिस्टर के सासू मोम हैं। नमस्ते बोल दीजिए आंटी जी। नमस्ते जी। हाँ आंटी जी, हमारे लिए कुछ लगता है कुछ बना रहे हैं।